हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बोर के हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड ने सबसे पहले जब परमाणु का प्रतिरूप दिया था तो वो कई भौतिक नियमों के अनुरूप नहीं था, तो 1912 में नील्स बोहर ने कुछ परिकल्पनाएं दी और उनके आधार पर परमाणु प्रतिरूप के बारे में बताया। बोर का जो परमाणु प्रतिरूप है वो क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है, जिसकी मुख्य रूप से तीन अवधारणाएं हैं। इसमें नीचे डायग्राम में हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप बताया गया है, जिसके नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में गति कर रहा है। तो बोर ने इस प्रतिरूप में कहा कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या वाली वृत्ताकार कक्षा में गति करता है और इस वृत्ताकार कक्षा की ऊर्जा भी निश्चित रहती है। यानी दो चीज़ निश्चित है, एक तो त्रिज्या फिक्स है और एक ऊर्जा फिक्स है उस कक्षा की। तो जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है उसे कक्ष या कोष कहेंगे। पहले कक्ष को अगर नंबरिंग से चलें तो 1, 2, 3, 4 और इसको हम KLMN नंबर भी दे देते हैं। दूसरा, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी कक्षा में गति करता है तो उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग MVR के बराबर होता है, और MVR किसकी बराबर होता है, h/2π का गुणज, यानी कि h/2π या इसका दुगुना या इसका 3 गुना या इसका 4 गुना। जो यहाँ h है वो प्लैंक स्थिरांक है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है और r उस कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। तीसरी जो अवधारणा है वो यह कहती है कि इलेक्ट्रॉन जब एक निश्चित कक्षा में नाभिक के चारों ओर गति करता है तो वो ना तो ऊर्जा को अवशोषित करता है और ना ही ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, परंतु क्योंकि नाभिक के चारों कक्षाएं कई होती हैं तो जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। बोर के परमाणु प्रतिरूप को समझाइए तो आपको तीन अवधारणाएं लिखनी है और एक सिंपल सा डायग्राम बनाना है। थैंक यू स्टूडेंट।